सदियों पुराने इतिहास, समृद्ध संस्कृति और विविध परिदृश्यों से भरपूर उत्तर प्रदेश देश व धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों का भंडार है, जिनकी सुंदरता और विविधता विश्व प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे पुराना शहर शिवनगरी वाराणसी, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, तीर्थराज प्रयाग, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर एवं आगरा के ताजमहल में विश्व भर से पर्यटक आते हैं। देसी विदेशी पर्यटक यहां आकर अपनी आत्मीयता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समृद्ध करते हैं। यहां हेरिटेज टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है योगी जी की सरकार इस दिशा में सक्रियता से काम कर रही है। यहां बनने वाली सुविधाएं सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के टूरिज्म को बहुत ताकत देने वाली है। विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में पर्यटन आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। एक सफल पर्यटन नीति और सरकार के सहयोग से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी से इस क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा मिला है, जो 2025 तक देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन उद्योग विशेष भूमिका निभाएगा। विगत वर्षों में प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन स्थलों का विकास, सौंदर्यीकरण एवं बुनियादी ढांचे में सुधार किया है और निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग में क्रांति आई है। पिछले एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पर्यटक धार्मिक दृष्टि से यहाँ के अलग अलग पवित्र धामों का दर्शन करने के लिए आए हैं। हम पर्यटन केंद्रों को विकसित भी करें, पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण भी करें, उसकी स्वच्छता और उसकी सुंदरता को बनाए रखने में भी योगदान दें, लेकिन साथ साथ अपनी वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराने में भी अगर हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं तो यह और भी फलीभूत तरी होकर के विकसित होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या धाम में श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश की पर्यटन उद्योग की दिशा ही बदल गई है। काशी और अयोध्या में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भारी संख्या ने पर्यटन क्षेत्र में एक नए इतिहास की रचना कर दी है। इसके साथ ही श्री कृष्ण नगरी मथुरा, प्रयागराज एवं गोरखनाथ धाम का सौंदर्यीकरण श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा गंगा विलास की सेवा भी शुरू की गई है। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों एवं इलेक्ट्रिक कैटमरान की सेवा भी शुरू की गई है। अयोध्या में प्रतिवर्ष दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो प्रतिवर्ष नए रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर रही है। इनके अतिरिक्त प्रदेश के कई धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थलों में पर्यटन बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। पर्यटकों के लिए यातायात को सुगम बनाने के लिए सरकार ने हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, जलमार्गों और सड़कों के माध्यम से राज्य को देश विदेश से जोड़ दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों से राज्य के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है। इन्हीं प्रयासों से उत्तर प्रदेश में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2017 में जहाँ उत्तर प्रदेश में कुल पर्यटकों की संख्या 23 करोड़ 75 लाख थी, वहीं जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक ही 32 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए। निरंतर बढ़ते पर्यटकों की संख्या होटल, रेस्टोरेंट्स और कई अन्य क्षेत्रों में नए निवेशकों को आकर्षित कर रही है। इसके फलस्वरूप स्थानीय कलाकार, हस्तकला उद्योग और स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार आया है। प्रदेश सरकार के अथक परिश्रम से पर्यटन क्षेत्र हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं।